आज दो साल के बाद तेलंगाना इलेक्ट होने के बाद, तेलंगाना बाइफरकेशन में अलग होने के बाद आज बोर्ड बनाए सीएम साहब की कोशिशों से जो है ना, आज तेलंगाना गवर्नमेंट आंध्र और तेलंगाना अलग होने के बाद पहले चेयरमैन मैं हूँ और हमारे मेंबर्स और हम लोग मिलकर जो है ना पंचायत वक्फ के हिसाब से जो है ना काम करेंगे वक्फ बोर्ड का, और जो भी इलीगल जो भी गलत जो भी अगर प्रीवियस में भी हुए तो उसको निकाल के हम लोग सही करेंगे। काफी जमाने से जो पैरोकारी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, क्या आप राहत मिल पाएगी? पैरोकारों को सब बर्खास्त करेंगे हम जो लीगल काम है लीगल तरीके से काम करेंगे और मंशा वक्फ के हिसाब से काम करेंगे, और हमारे मेंबर्स भी जो एक ऑनेस्ट है, अब जो मेंबर्स है और पहले भी एसएस साहब वगैरह सब जुड़े थे, अभी भी वही बोर्ड है और इंशाल्लाह थोड़े मेंबर्स नए हैं और वो लोग भी एक ऑनेस्ट है, और हमारे मैडम भी पहली बार तेलंगाना स्टेट बनने के बाद तेलंगाना और आंध्रा में 60 साल में कभी भी वुमन लेडीज को नहीं लिए, पहली बार जो है एक स्कॉलर भी है, पीएचडी है और कई डिग्रियां हैं मैडम के पास भी, एक ऑनेस्ट है, उनको भी जो है ना वक्फ बोर्ड मेंबर बनाए और उनका भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देख के जो है ना पूरे रिकॉर्ड्स देख के एकदम ऑनेस्ट रिकॉर्ड देख के जो है ना उनको भी मेंबर इलेक्ट करें, और मैं सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह के करम से जो है ना सेकेंड टाइम चेयरमैन जो है ना आज तक इंडिया में कोई भी नहीं बने, फर्स्ट टाइम ही बने चेयरमैन, उसके बाद चेयरमैन नहीं बने, सेकेंड टाइम मेरे को मौका मिला है, इंशाल्लाह उसको मंशा वक्फ के हिसाब से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अच्छा काम करेंगे और फ्री सर्विस देंगे हम, टीए डीए गाड़ी वगैरह कोई चीज़ सैलरी वगैरह कोई चीज़ नहीं लेंगे, वहाँ पर फ्री सर्विस देंगे हम।